हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके प्रमोशन के बारे में। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है और आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें और जानते हैं कि आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में वाराणसी रीजनल सेंटर की तरफ से एक फेसबुक लाइव सेशन हुआ था, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में सुनते हैं कि आपको वाराणसी रीजनल सेंटर की तरफ से इस वीडियो में क्या बताया गया है। लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एमपीए के जितने भी एग्ज़ाम या कोई भी मास्टर और बैचलर या प्रोग्राम की जो ईयर वाइज हैं, तो उनके जो फाइनल ईयर के अलावा और वर्षों के एग्ज़ाम हैं, वो एग्ज़ाम अभी विश्वविद्यालय में विचारार्थ हैं कि उनको प्रमोट किया जाएगा कि वो एग्ज़ाम फिर से देने होंगे। और हमें लगता है कि पिछली स्थिति को देखते हुए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा सकता है अगली कक्षाओं में। और जो आपके फर्स्ट ईयर के अवार्ड्स होंगे, वो सेकेंड ईयर में जब आप टर्म एंड एग्जामिनेशन पास करेंगे, उनके अवार्ड के हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर के अवार्ड ग्रांट कर दिए जाएंगे। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और आपके रिजल्ट्स अपडेट हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना है कि आपके प्रमोशन के कुछ बहुत चांसेस हैं, प्रमोशन को लेकर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है कि आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में एडमिशन लिया है, तो जो भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो लास्ट ईयर की तरह आपको भी प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको प्रमोशन मिलता है, आपके जो दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम है, उससे पहले आपको एक नोटिस दे दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको प्रमोशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और अगर आपके एग्ज़ाम होंगे, तो इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आप ये सोच के बिल्कुल भी ना बैठें कि आपको प्रमोशन मिलेगा। आप अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी हो सकते हैं और आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है। तो दिसंबर में सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था, इसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था, इसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2021 में अपने सेमेस्टर और सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, और वो स्टूडेंट जो बैकलॉग के स्टूडेंट्स हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स का एक साथ एग्ज़ाम ले पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका प्रमोशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या आपके एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन भी हो सकते हैं। इसलिए जितनी भी अपडेट है आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। जो भी नोटिस रिलीज़ किया जाएगा, आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाएगा कि आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन होंगे या आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारी डिटेल समझ आई होगी। दोस्तों, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखें, आप प्रमोशन के बारे में ज़्यादा ना सोचें, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर आपको प्रमोशन मिलना होगा, तो आपको इग्नू की तरफ से नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।